बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की वीडियो देखने वाले हैं। जो जो भी छात्र महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वरेली से हैं, सबसे बड़ी अपडेट देख रहे हैं जो आज की है। 10/6/2022 की अपडेट्स को आप सबसे पहले देखिए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। यदि आप नकल पकड़ते हैं, नकल पकड़ी जाती है तो आपको किस तरीके से बचाव करना होगा, कैसे बचना है, और साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन आता है सब नोटिफिकेशन की जानकारी, बाकी जो मैंने आपको 2022 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आप वही पढ़ के जाइए, बाकी कुछ नहीं देखना है, इस बात को याद रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपको 2022 में 85% प्लस मतलब कि टॉपर बनने वाले हो 2022 के, समझ लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो यार, जितने भी चैनल है हमारे बीएससी बाई पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर, बीएससी बाई पेपर हैकर, बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं हम। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चाहे बीएड डीएलएड वगैरह हो, इसके नोट्स डी फार्मा बी फार्मा के नोट डाउनलोड करने चाहते हैं, बीएड डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो आप जाओ paperhacker.in वेबसाइट पर जाओ, वहां पे डाउनलोड करो, आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग आपके लिए सिर्फ, समझो। अब देखो यहां क्या बोला गया है, 10/4 मतलब कि 10/6/2022 के अपडेट में यह बोला गया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 मतलब कि जो विश्वविद्यालय जो परीक्षा ली थी, यूनिवर्सिटी ने परीक्षा ली थी 2021 में, मेन परीक्षा से बोलते हैं, उसमें सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी, उसमें ऐसे सम्मिलित छात्र हैं जिनका परीक्षा फल मतलब कि रिजल्ट उत्तर पुस्तिका के कारण अपूर्ण है। मतलब कि उत्तर पुस्तिका का मतलब होता है जिस कॉपी में आपने लिखा है उस कारण के वजह से क्या है आपका रिजल्ट अपूर्ण है, घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, को सूचित किया जाता है ऐसे छात्रों को, या फिर नंबर नहीं चढ़े हैं ऐसे छात्रों को सूचित किया जा रहा है कि अपने प्रकरण के निस्तारण हेतु, अपना जो भी यहां प्रॉब्लम है उसको निस्तारण हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा कि भाई मेरे अब कि सर प्रार्थना, आप कहेंगे कि गोपनीय विभाग के जो भी है अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उस आधार पर आपको लिखना होगा कि मेरा जो भी है अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जो 2021 का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है वो इतने में किया था मैंने, ठीक है, और इसका ये जो सब्जेक्ट है इसकी कॉपी क्या चेकिंग नहीं हुई है, जो भी प्रॉब्लम है आप वहां मेंशन करेंगे अपने हिसाब से, और इस प्रार्थना पत्र को 20/6/2022 तक गोपनीय विभाग, जी हाँ गोपनीय विभाग, जहाँ हमारी नकल की कॉपी वगैरह जाती है, कोई दिक्कत होती है, गुम जाती है कोई चीज़, गोपनीय विभाग के अंदर आपको भी देखो अविलंब जमा कर दें। अविलंब का मतलब है जल्दी से जल्दी 20 तारीख से जल्दी हो सके तो कल कर दो, परसों कर दो यार, ठीक है, देखो कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है प्रकरण है उन पर विचार नहीं किया जाएगा, और समस्त उत्तर पुस्तिका क्या कर दी जाएगी, कह सकते हैं विनष्ट करा दी जाएगी, यह बोला गया है। तो आप यहां खुद देख सकते हो कि जो अपडेट आई है, तो आप सभी छात्र जिसके रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है पुस्तक कह सकते हैं जो उत्तर पुस्तिका है उसके अपूर्ण होने के कारण, तो मतलब उनको नहीं मिल पाई है आपकी कॉपी वगैरह, और आप कह रहे हैं हमने लिखी है प्रेजेंट लगी हुई है लेकिन आपकी कॉपी वहां तक नहीं पहुंची है, क्या कारण है उसका, कौन जिम्मेदार होता है, वो यूनि कॉलेज होता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है आपको, बस ये देखना है कि यदि आपका घोषित नहीं हुआ है तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि ऐसी सी बात थी, आप लिख दो घुसल जाइए काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पेपर हैकर मिलता है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी जो स्कीम की बात करने वाले हैं, तो 15 तारीख से होम साइंस वगैरह जो है उनके पेपर होंगे, ठीक है, जो ऑनर्स वगैरह हैं उन छात्रों के, लेकिन आपके जनरल बीएससी वालों के पेपर नहीं होंगे, वेट करिए 15 तारीख 18 तारीख के बाद देखेंगे जो भी होगा एप्लीकेशन जो भी आती है, 18 तारीख आपकी डेट आई हुई है, 18 तारीख को मेंशन करते हैं, ठीक है, बाकी अभी क्लियर नहीं है, बाकी टेंटेटिव एग्जाम है, एक न्यू स्कीम आएगी हम आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय।